हेलो भाई, चलिए मैं बात करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है डिफरेंस लॉज ऑफ मोशन, और यहाँ पर डिफरेंस लॉज ऑफ मोशन में बात करने जा रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। टॉपिक का नाम है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है एक्चुअली, कि हम एक किसी भी सिंगल बॉडी का जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, तो उसका हम क्या करेंगे, वी विल डू दी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। तो वो हमारा क्या जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लाए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा क्वेश्चन यहाँ आएगा आपके लिए। तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू। तो द क्वेश्चन इज कि ऑल सर्फेसेस, आप ही लिखो अपनी कॉपी में, आर स्मूथ इन दी गिवन फिगर। जो फिगर दिया गया, इसमें सारे सर्फेस जो है स्मूथ है। हमें क्या निकालना है, पॉइंट एफ सच दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज, विद रिस्पेक्ट टू वेज। वेज मतलब ये जो तिकोना होता है, इसको हम लोग वेज। मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर आपके लिए, और इस क्वेश्चन को नोट कर लेना क्योंकि मुझे स्क्रीन आगे बढ़ानी पड़ेगी, और क्वेश्चन ऐसे देख लेना है एक बार। ये डायग्राम, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक ब्लॉक उठा हुआ है जिसका मास है स्मॉल है। इस पूरे वेज का मास कैपिटल एम है, ये एंगल थीटा है, और यहाँ पर इस तरह से एफ फोर्स लंबाई है, चलेगा, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ब्लॉक और वेज दोनों का मिलाकर एक्सेलरेशन देखें तो दोनों का ही मास जोड़ रहे तो ये आता है, ठीक। अब हम इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रॉम इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। डायग्राम देख लिया आपने, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन को, नंबर एक सॉल्व करते हैं। लिखो फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कैसे होगा देखो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस बनता, हम यहां पर क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, वी विल डी ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ब्लॉक यहाँ रखता हो, ये ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक, इस ये ऑफ लिखा हुआ है, इस ब्लॉक पर क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे तरफ क्या लगेगा, एम जी लगेगा, और एम जी लगेगा तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सॉरी मैं इसको फिर से ट्राई कर देता हूँ। तो एम जी लिखा हुआ है फिर से, ठीक। ब्लॉक में जो फोर्सेज है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लगेगा एम जी, यहाँ पर दो फोर्स लगेंगे, ये वाला फोर्स जो हो जाएगा, ये वाला फोर्स हो जाएगा एन कॉस थीटा, और ये वाला फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन साइन थीटा, ठीक है, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लिख सकते हैं कि वाई एक्सिस में फोर्स क्या हो गए, जीरो हो गए, और दूसरा क्या हो सकता है, एन कॉस थीटा बराबर एन जी, ठीक है, एन कॉस थीटा बराबर एन जी। और एफ एक्स में लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स में जो हो जाएगा डायरेक्ट इक्वल, ठीक है, यानी एन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर वन बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दो। अब हम दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ये बात मैं समझा देता हूँ फिर से आपको, यहाँ पे समझ नहीं है आपने, एन कॉस थीटा बराबर एन जी, क्योंकि एन कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, एन जी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना ये, और एन साइन थीटा को, एन साइन थीटा को क्योंकि ये ब्लॉक मूवमेंट करेगा तो इसकी तरफ क्या लगेगा, एम ए लगेगा, तो दोनों इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब वाई एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है इसको, तो सिर्फ हम एम ए ले सकते हैं, कोई फोर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा तो हमने एम ए मान लिया, ठीक है।
दोनों इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, व्हाट वी विल गेट, लेट मी शो यू। हमें मिल जाएगा ए बराबर बी टैन थीटा। मैंने इसको डिवाइड किया है, साइन बी कॉस हो जाएगा, एन एन कट जाएगा, ए बराबर जी टैन थीटा। सो एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ बराबर आ जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल, कैपिटल स्मॉल एम इंटू एन। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ऊपर आप देख, आपने देखा हो, ये देखा है ना, ए बराबर एफ बाई एन, एफ बराबर ए एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब आप यहाँ पर एफ की एम वर्ब्स की वैल्यू जानते हैं ए की, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और ये हो जाएगा जी टेन थीटा। तो ये एफ की वैल्यू आ गई यहाँ पर, पिस्टल की वैल्यू ऑफ फोर। ये तुमसे पूछा था पोस्ट के लिए, क्वेश्चन क्या था कि फाइंड दी एफ, तो हमने एफ इस तरह से निकाल दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कैसे निकाला, अभी हमने जो भी निकाला चीज, तो वी हैव डन इट फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। तो पार्ट नंबर टू में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तीन डाल दो, थोड़ा इसको तुम मोटा ही कर लेते हैं। तो उसमें नंबर लिखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, करा जी। अब यहाँ पर हमें पता है कि फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ब्रेक्स, यानी कि मतलब पता है। तो यहाँ पर दो फोर्स लगेंगे, कौन से फोर्स, एक हमारा लगेगा रियल फोर्स और एक हमारा लगेगा स्टेडो फोर्स, लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे है। ठीक है, थोड़ा सा मैं सॉल्व बढ़ा लू, एक मिनट मिनट देना। ठीक है, समय एक मिनट का समय देता हूँ, जस्ट अ मिनट मुझे, हाँ जस्ट अ मिनट, एक मिनट समय देना। हाँ ठीक, देखो तो मुझे अपने एयरपोर्ट्स अंदर करने थे। तो देखो नीचे तरफ क्या लगेगा, जैसे पहले लग रहा था एन जी, ऊपर तरफ क्या लगेगा, क्या आप एफ नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे एन हो जाएगा। तो एन और ये वाला कंपोनेंट और थीटा, इधर क्या लगेगा एन साइन थीटा, और इस साइन थीटा को यहाँ पर जो लगेगा फोर्स, जिसको मैं स्यूडो फोर्स बोल रहा हूँ, एफ पी बराबर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है इस केस में, इस केस में ब्लॉक जो है वो क्या है, स्टेशनरी, ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी यानी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। जब ब्लॉक मूव नहीं करता है तो इस केस में आपको पता होगा नतीजे कि एफ वाई बराबर भी जीरो हो जाएगा, एफ एक्स बराबर भी जीरो हो जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि एन कॉस थीटा बराबर एम जी, ठीक है, और एन साइन थीटा बराबर एम ए, तो यहां से निकल के भी आ जाएगा ए बराबर जी टैन थीटा। सिमिलरली आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए, ए बराबर यहाँ लिख देंगे जी टैन थीटा। देखो दोनों तो सेम वैल्यू आ गई, आ गई। ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, करा जाए क्या। क्वेश्चन देखो, अ बॉल ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ मूविंग प्लेन। एक्सेलरेशन, जो ट्रेन का एक्सेलरेशन वो क्या है, ए है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड थीटा। डायग्राम बना देते हैं, देखो
ये हमारी ट्रेन है, मान लेना ये ट्रेन है, ये लगा दिए ट्रेन में, ठीक है, नया जो ट्रेन बना दी जाए, इतनी अच्छी मैं बना सकता हूँ ट्रेन आपके लिए आराम से। ये मूव कर रही थी, ट्रेन मूव करेगी तो इधर चल रही थी, एक स्टेशन से ट्रेन इधर चल रही, और यहाँ पर बॉम्ब लटका है, तो ये सॉरी एक मिनट रुको जरा, ये थोड़ा सा अच्छा बनना चाहिए, तो हमने कोई टिक सा मदद है, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये एंगल हो जाएगा थीटा, और ये आपका क्या है, दिस इज योर बॉक्स, बॉक्स का मास एम है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ मॉडल पे लटका हुआ है, फ्लेक्सिंग, ठीक, क्या निकालना है, थीटा निकालना है। इस प्रॉब्लम को भी हम 2 महीने सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इस प्रॉब्लम को भी 2 महीने सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को मैथल नंबर इस मेथड से इनर्शियल ट्रेन ऑफ रिफरेंस वाले मैटर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो ये जो है बॉक्स, ये यहाँ से लटक, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, थी, और ये यहाँ पे एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो बॉम्ब में नीचे तरफ क्या लगेगा, एमजी। इसको और इधर अच्छे से करें, तो मान लीजिए ये आपका क्या है, बॉम्ब है, तो बॉम्ब में नीचे तरफ लगने वाला फोर्स एमजी, और इस डायरेक्शन में अगर थीटा है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, और चूंकि एक्सप्रेशन में हमारा किस तरफ थीटा है, देयरफॉर द एफएक्स इज इक्वल टू एनए, क्या के बराबर है, एनए के बराबर है, देखो टी बॉडी में एक्सप्रेशन दे रखा है, एफएक्स किसके बराबर हो जाएगा, एनए के बराबर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ टी साइन थीटा बराबर एनए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इसी तरह से सिमिलरली हम लिख सकते हैं एफ वाई बराबर क्या है, 0, क्योंकि दोनों ही रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0, तब ये समझो रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पर लिख सकते हैं पी कॉस थीटा बराबर एम जी क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर आपको थीटा निकालना है, डिवाइड कर दो इक्वेशन वालों को, जैसे मैंने पहले भी किया है, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर ए बाय जी, और थीटा बराबर क्या निकलेगा, ए बाय जी आ गया, क्या आ गया थीटा वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाय, अच्छे से बनाते हैं बिल्कुल, लेते हैं और समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड वाले केस के लिए लिखते हैं, सेकेंड केस में हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इसको कॉल करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम, यहाँ पर दो फोर्स लगेंगे, जैसे वहां लग रहा है, तो कौन कौन से फोर्स, रियल फोर्स प्लस स्टेडो फोर्स, ठीक, तो जैक्सन में जो फोर्स लगेगा वो हमारा टेंशन इधर था, यहाँ पर क्या था, ये जब थीटा था पहले फिर, ठीक, नीचे तरफ क्या लग रहा था, एम जी लग रहा था, इस डायरेक्शन में जो हमारा हो जाएगा वो लगेगा, मैं बता देता हूँ, डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम एफ पी बोलेंगे, जो कि स्पीड ऑफ फोर्स होगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एम ए के, अब इसी वाले डायग्राम को मैं रिड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर इधर चारों तरफ बोल दूंगा,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हम कंपाउंड करेंगे तो ये वाला कंपाउंड हो जाएगा प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये क्या था साइन थीटा, तो ये वाला कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, इधर वाला ये हो जाएगा कॉस थीटा, इधर लग रहा है एम ए, इधर लग रहा है एम बी, देखो यहाँ पर देखो वो कैन से दैट एज प्रोसेस को भी मोटा कर लेता हूँ, सब बहुत मोटे पे चल रहे हैं, तो एज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब यहाँ पर जो बॉब है वो किसमें है, बॉब इज इन इक्विलिब्रियम, बॉब किसमें है इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर बॉब इक्विलिब्रियम है तो हम कह सकते हैं तो हमें एक्सन ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो, तो हमें एक्सन ऑफ एफ वाई बराबर जीरो, यानी मैं बोल सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर एम ए, और यहाँ पर बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा बराबर एम जी, अब इन दोनों को कैसे डिवाइड कर दूँ, तो थीटा इक्वल टू वही वैल्यू मिलेगी क्या, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ए बाई जी, ये वाली बात देख ली यहाँ पर आ जाएगी। फिर सवाल एक बात देखना, क्या सवाल था, और शायद ही मार्केट अच्छा काम करें यहाँ पे तो डार्क हो गया ना देते हैं, तो अब बॉब ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ मूविंग ट्रेन विद एक्सेलरेशन ए पॉइंट थीटा, आपने वो क्या निकाला थीटा निकालना चलेगा, ये क्या है यहाँ पे, ये देखो कैसे ट्रेन मूव कर रही, तो हमने दोनों फ्रेम और डिफरेंस देखा, इनिशियल फ्रेम और डिफरेंस हमने देखा, हमने क्या देखा इस तरह से हमने कंडीशन भी फॉर्म इनिशियल फ्रेम और डिफरेंस, और इसको हमने ड्रॉ किया तो ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा हो गया, नीचे एम बी, इधर एक्सप्रेशन लगेगा ये एम बी थीटा हो गया, एफ एक्स तो एम ए के बराबर हो गया, एफ वाई जो होने को क्या हो गया जीरो हो गया, सॉल्व किया थीटा बराबर क्या आ गया टेन एम थ्री बाई जी। अब हमने नॉन इनिशियल फ्रेम और डिफरेंस इसको सॉल्व किया, नॉन इनिशियल को देखा तो यहाँ पर एक सीडो फोर्स आया, तो ये वाला सीडो फोर्स और इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद भी वही सेम वही आ गया थीटा इक्वल टू क्या आ गया टेन इनवर्स ए बाय बी, ना समझ आ रही, तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स दैट आवर टॉपिक नंबर, ये है सभी के फ्री बॉडी टाइप का। अब हम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं अपेरेंट वेट ऑफ मैन इन लेग, ठीक है, तो टॉपिक हम नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।